This is cummins L375, यानी कि L जो है L सीरीज है कमेंस का 24 वाल का इंजन है, और ये L375 जो है एच पी एस के उसके नाम से इसका मॉडल है मेंशन है। और ये क्या हो रहा है इसको पूरा, और हमने ये इंजन लिया, इस इंजन में ये जो हाउसिंग है इसका सी का हाउसिंग ये मैं लेके आया हूँ, दूसरा इसका पार्ट नंबर है 3933384, और ये जो है इसमें सील डायरेक्टली, इसका पार्ट नंबर है 3998048। ये हटा रहे हैं और ये लगा रहे हैं। सही बन रही है भाई वीडियो, ताकि ऑडियंस को नजर आए। लाइट्स ज़्यादा, क्योंकि प्रेस होने के बाद ये वेस्ट हो जाती है जो फेस में रह जाती है बीच में, एयर गैप पूरा करने के लिए बस, ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे, नहीं भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। दिस इज कमेंस L375 24 वाल इंजन, और अल्लाह भला करे आपका। डोंग फैंग के अंदर भी यही इंजन है, छोटा चल रहा है, उसका भी काम करते हैं। यू चाई जोंग टोंग यू टोंग बस, हर किस्म का काम हमारे वर्कशॉप में किया जाता है। बस काम करवाने वाला बंदा शरीफ हो, कपड़ा जो साफ कपड़ा जो नीचे से धागे रख के चपाट मारूंगा दीवार में आगे लगेगा। जा लाइट ऑन करो, लाइट ऐसे रहने दे, रहने दे चलने दे, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो बेटा, जल्दी करो, लाइट ऑन करो मोहम्मद मुतल कदर फिट इज वॉचिंग, ऑन कर दे भाई। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन ट्यूब जो है वो ड्राई हो रही है, जल्दी करो। लाइट लगाने कितना टाइम, कर दो ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर, अंधेरा हो गया है, लोग चले आएंगे छोड़ के। जबरदस्त, ये भी इसके पेज से वो बोल दे बंदे। लाइट लगाओ, दो लाइटें लगाओ।
ये ऊपर पड़ी है। सील दे इसको, सील दे, सील। ये सील इसलिए लगाई है कि अभी होल इसके सेंटर हो जाए, होजिंग इसकी सेंटर हो जाए। वो गोल रंगा होजिंग गोल वो पड़ा होगा, गोल रंगा ना वो इसका फ्लैंक पड़ा होगा सील्ड होने के लिए, गोल रंगा के सामने पड़ा होगा गोल गोल इसका प्रेस, सील्ड प्रेशर होगा। भाई वीडियो सही बन रही है? यहाँ नहीं पड़ा, ये क्या है? ये है सील, कितनी अंदर जाने चाहिए? हम इसको इसका टूल है सील ढाने वाला, कि सील कितनी अंदर होनी चाहिए, 2 मिलीमीटर अंदर होती है टूल। इसके हमने वो बीच की प्लेट नहीं लगाई, वरना ये बीच में सेंटर में राउड होता है, इसको प्रेस करते हैं जाती है। होजिंग दे यार, होजिंग दे, साइड पे बताओ, लाइट बढ़ो, पकड़ा
तेरा कहाँ आ गया देखो।